आज का टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सीरियस टॉपिक है। इसको मज़ाक में ना लें, ना इस टॉपिक के बारे में कोई मज़ाक करें, बिकॉज़ ये बहुत पावरफुल एनर्जीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनका मज़ाक उड़ाना बिल्कुल सही नहीं है। जिसको ये वीडियो समझ में ना आए या ये वीडियो का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो वो इसको स्किप करके कुछ और देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के बाद इसका मजाक उड़ाना, इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर यू, बिकॉज़ ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में भी ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जिनको अपना मजाक उड़वाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, और फिर वो अपनी आइडेंटिटी देने के लिए कि हम एग्जिस्ट करती हैं, किसी ना किसी तरीके से तुम तक पहुँच ही जाती हैं। ओके, इट्स अ यूनिवर्स जहाँ सब कुछ वाइब्रेशन से चलता है, फ्रीक्वेंसी से चलता है, एंड तुम तक भी चारों तरफ कलयुग है ऑफ कोर्स, और चारों तरफ नेगेटिव एंटिटीज़ तो ज़्यादा हैं आज की डेट में, तो ऐसा कुछ भी ना करें। ओके, तो डरा नहीं रही हूँ लेकिन फैक्ट बता रही हूँ कि बहुत सी बार ऐसा हुआ है, मैंने बताया है कि कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल चीज़ों का, और उनके साथ कोई ना कोई आगे चल के जीवन में हादसे ज़रूर हुए हैं ये बताने के लिए कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और हमारी एनर्जीज़ पैरानॉर्मल एनर्जीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो बिल्कुल भी खतरा ना लें, चैलेंज ना करें। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड अब इस टॉपिक पे। तो जैसे कि टॉपिक का नाम है कि काला जादू शैतानी शक्तियों से प्रभावित होके, ऑलराइट, एंड शैतानी शक्तियों की मदद लेके, फॉर दैट मैटर जब तुम एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हो डेविल के साथ या डीमन के साथ कि मुझे ये मैं प्रोसेस करूँगा, मुझे इस प्रोसेस के बारे में बताओ, जो कि ब्लैक मैजिक प्रोसेस है, और इन रिटर्न यही होगा कि अगर मेरे से ये प्रोसेस गलत हुआ तो मेरी ही जान लेने की परमिशन मैं देता हूँ या देती हूँ। समझे, कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि जो इंसान कर रहा है इस प्रोसेस को, तंत्र विद्या में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसमें, तंत्र तो मैं नहीं कहूँगी, जिसको कहते हूँ ब्लैक मैजिक में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो खुद डेविल की किताब जो है, बुक ऑफ द डेविल, बुक ऑफ द डेड, ऐसी बहुत सी बुक्स हैं, समझे, इस फील्ड की, सुपर नेचुरल फील्ड की, जो आज भी अवेलेबल हैं, और कुछ तो बुक्स इंटरनेट पे भी दे रखी हैं। तो मेरे पास कई बार कंप्लेंट्स आती हैं कि गुरु दीदी हमारे बच्चे ने या हमारे घर में किसी ने आउट ऑफ क्यूरोसिटी या आउट ऑफ एक्साइटमेंट जो है इंटरनेट में वो बुक अवेलेबल थी और उसको पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें से चीज़ें देख के करनी शुरू कर दी और उसके रिपरकशंस अब हमें झेलने पड़ रहे हैं। तो कुछ भी कंसर्निंग हो इंटरनेट पे डेविल से रिगार्डिंग, डीमन से रिगार्डिंग, उसको हल्के में लेके कोई एक्सपेरिमेंट या खेल नहीं चल रहा है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उसको करके देखें, पढ़ के देखें, क्या हो जाएगा, अरे कुछ नहीं होगा, लेने के देने पड़ जाते हैं। ओके, ये सब मजाक करने की चीज़ें नहीं है, चैलेंजेस थ्रो करने की कॉलेज टाइम नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मैटर्स हैं, बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें हैं, इनसे जितना दूर रहो उतना बेहतर। ओके, तो कुछ काले जादू के प्रोसेस, जैसे कि मैंने कहा, कुछ मेथड्स हैं जो डेविल ने ही समझाए हैं, क्योंकि डार्क एनर्जी से रिलेटेड है, नेगेटिव एनर्जीज से रिलेटेड है। ओके, तो वो सिखाए हैं कि अगर ऐसा कर दोगे तो किसी का बुरा भी कैसे कर सकते हो, ये एक कर्स भी हो सकता है, एक श्राप हो सकता है, या ऑनगोइंग ब्लैक मैजिक में कन्वर्ट हो सकता है, समझ रहे हो, और उस ऑनगोइंग ब्लैक मैजिक को उतारना या डिस्ट्रॉय या डिफ्यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो अनसॉल्व रह जाते हैं, इतने पावरफुल नेगेटिव एनर्जीज या शैतानी शक्तियाँ जो कहते हो कह लो, वो जागृत हो जाती हैं, समझे, और जितनी पुरानी होंगी उतनी और दिक्कत करेंगी। सो ऐसे प्रोसेस, जैसे कि मैंने बोला कि जिसमें कभी ऐसा लगे तुम्हें, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरी बॉडी में कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, या फॉर दैट मैटर तुम्हें ऐसा लगे मेरे साथ कोई है, आई एम नॉट अलोन, या तुम्हें हमेशा फील हो, तुम्हें क्या पता चीज़ें दिखने भी लगें, ओके, बट तुम नहीं बोलोगे बिकॉज तुम इतना डर रहे हो या तुम्हें बोलने नहीं दिया जा रहा,
ये सब चीज़ें जो हैं, अगर नोटिस कर रहे हो अपने फैमिली मेम्बर के बारे में भी कि वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, तो एक बार डायग्नोसिस तुमको ज़रूर कराना चाहिए, केस आई ज़रूर करानी चाहिए। ऑफ़ कोर्स वो पेड सर्विस है, लेकिन उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या ब्लैक मैजिक अगर है तो कौन से मेथड्स यूज़ करे हुए हैं, समझ रहे हो, और या फिर ये सच में शैतानी उससे ही डायरेक्ट चीज़ हो गई है, ये ध्यान रखना। ओके, तो कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जैसे मैंने कहा कि अगर उनमें गलती हो गई करते वक्त ब्लैक मैजिक के केसेस, तो जो साधक है जो चीज़ को कर रहा है उसको भी ये बुरी शक्तियाँ मार देती हैं, क्योंकि तुमने बुरी शक्तियों की मदद मांगी है, और उसके बाद अगर तुम्हारी वजह से कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है या कुछ भी प्लान फेल होता है उस मेथड को करने में, तो उसका सारा जो भार है वो तुम पे ही आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी शुरू मत करना, अगर शुरू कर दिया तो तुरंत छोड़ देना उसको, जो तुम्हें तकलीफ़ थोड़ी बहुत होगी उसे सहन कर लेना, क्योंकि जो ये वाली तकलीफ़ होगी ना कि तुम्हारा समझ ही नहीं आ रहा है कि सोल कहाँ जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो, आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ भी जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत टफ होने वाली है। अब इंसान बोलेगा अरे हमने मरने के बाद क्या देखा, ऐसा नहीं होता। अपनी सोच बदलो, अपनी समझ को बदलो, अपनी समझ को बढ़ाओ। तुम जो चीज़ नहीं मानते कि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होता, वो होता है, बट हाँ तुम्हें नहीं समझ आ रहा या तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इतना हम्बल रहने की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ओके, सो बस अपनी केस स्टडी कराए, जो पेड सर्विस है, जो फ्री सर्विस नहीं है उसमें सब निकल आएगा। अब नेक्स्ट वीक मैं और टॉपिक लेके आऊँगी, टिल देन गुड बाय।